इसके बाद मेरा नंबर आता था, मगर मेरा काका बैठ गया तो आधा घंटे तक कहता था धीमी गति का समाचार, आप बैठ जा, हम भी बोलते थे 5 मिनट यार नंबर आधा घंटा छोड़ता, ये ऐसे ही राजी हो जाता। मंत्री जो पढ़ाया नहीं, कह रहा मेरा बोलने में नंबर आएगा, ऐसे ही राजी लकड़ी पढ़ो क्या चीज है, बुला दो ये बोलने राजी, इसको पटको ले 10 मिनट बोलते भाई, बोलता रहता इसका काम है। सब जगह एक बात चलती है कि पारक साहब बहुत सेवा करते हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसी सेवा करते होंगे, जरा हॉस्पिटल में हर आदमी की सेवा करते हैं, फिर पता लगा ये तो सेवा उसकी करते हैं, फिर वोट की गारंटी होनी चाहिए, और गलती से कोई दूसरी पार्टी का दूसरा आदमी आ जाता है उसकी सेवा के लिए मना और कर देते हैं कि इसका मत करना, मैं जब तक बात नहीं करूँ, ये कौन सी सेवा भाई, इसको सेवा मानते हो, सेवा तो हम करते हैं, ये थोड़ी पूछते हैं कि कौन सी पार्टी का लगा फोन, किसको करना है, कहाँ जाना है, बताओ क्या करना है, सड़क पर कोई बैठा है कुछ हो गया वहीं बैठ गए, सरकार से मुआवजा दिलाया हैसियत नहीं है, फिर भी जेब से दिया और कहीं नहीं हो तो आस पास के बैठे करो करके दे, कम से कम आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए आदमी को। इस सोच के साथ हमने प्रयास किया और इस प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप लाखों की तादाद में मेरे साथ जुड़ गए। मुझे खुशी है कि जालो और पाली जिस इलाके में मेरा समाज की संख्या कम है, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में देख रहे हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे और मेरे समाज में चुनाव नहीं लड़ना, हमारी ज्यादा संख्या वोट डाल देगी वोटर के चिन्ह पर सारी सारी। मैं ये भी कहूंगा मंच पे दो योद्धा बैठे हैं, एक तो आपको ये तय करना कि जो भी टिकट लेकर आएगा उसको जिताएंगे, पुखराज जी गर्ग बैठे पार्टी के अध्यक्ष, इनको ही मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, पुखराज जी पाली में आप रहे हो, पाली के अंदर हमें सीट जीते और टिकाऊ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलानी, ये आपकी जवाबदारी है। पुखराज जी मुझे लाकर देख रहे, आप सबसे बात करें, हर समाज से हमें बात करनी सारे, क्योंकि सारे समाज वोट डालेंगे, जब पाली की सीट जीतना आसान थोड़ी है, 5 बार लगातार बीजेपी जीती है, 5 बार जीत गई बीजेपी, 5 बार बीजेपी जी बचे, 1 बार निर्दलीय भी जीत गया, हाँ तो 80 बार ना आपके आरएलपी आ जाएगी, हाँ जब निर्दलीय को जीता सकते हो तो आरएलपी तो आपकी पार्टी है, किसानों जवानों की पहला झंडा दिया मैंने राजस्थान में, पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी, खुशी की बात है कि हमारे स्टेट का एक नौजवान जो पार्टी भी बनाता है, और बोतल का ये जो चिन्ह है लोकसभा के अंदर, पहले मैं बोतल से आता हूँ, लोकसभा चुनाव मेरा चिन्ह छीन दिया जाता है षड्यंत्र के तहत, तो मैं टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूँ 24।